औरंगाबाद में ही नहीं देश भर में एक स्कीम की गई थी शुरू, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत जो गरीब लोग हैं उनको घर देने का वादा किए थे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने, और खुद अपनी तस्वीरें हैं तो उन्होंने अखबारों में छपवाए थे, होर्डिंग्स लगाए थे, बैनर्स लगाए थे, और हर भाषण के अंदर जोर जोर से कहते थे कि 2022 तक हर बेघर को घर देंगे। औरंगाबाद के अंदर 52,000 लोग इसके लिए एप्लीकेशन देकर क्वालिफाई हो गए थे। 2016 से वो उम्मीद कर रहे कि अब मुझे घर मिलेगा। अब ये मुद्दा जब मैंने उठाया कि 2016 से 2022 होने को आया और महज 355 लोगों को ही घर दिया गया है, तो ये मुद्दा मैंने लोकसभा में उठाने के बाद अर्बन डेवलपमेंट कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे गंभीरता से लिया और महाराष्ट्र सरकार के 11 अधिकारियों को दिल्ली को बुलाया गया था और वहाँ पे उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम 15 दिन के अंदर है तो ये ज़मीन अलॉट कर देंगे। अब ये ज़मीन अलॉट हुई हमें। अब 30 गाँव के अंदर हमको ये बताया गया कि 101 हेक्टर ज़मीन जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हमने दे दिए है करके, पड़े गाँव में 3 हेक्टर दे दिए है, हरसूल के अंदर 1 हेक्टर दे दिए है। आपको आश्चर्य होगा कि जब ये नगर भूमापन अधिकारी, महानगर पालिका के अधिकारी और दूसरे अधिकारी जब वहाँ पर गए इंस्पेक्शन के लिए, क्योंकि DPR जल्द से जल्द बनाना है, तो वहाँ पे पता चला कि 101 हेक्टर में से महज 6 हेक्टर ज़मीन के ऊपर ही घर बनाए जा सकते हैं, बाकी ज़मीन कहाँ है तो ज़मीन ही नहीं है, वहाँ पर पहाड़ बने हुए हैं। तो अधिकारियों का ये कहना है कि वो पहाड़ तोड़ो, पहाड़ को ख़त्म करो और वहाँ पर घर बनाओ करके। खदाने हैं, वो खदाने या नहीं तो अतिक्रमण है, तो अतिक्रमण तोड़ो और वहाँ पे घर बनाओ। तो अगर राज्य सरकार को, स्थानीय अधिकारियों को और केंद्र सरकार को गरीबों को सिर्फ एक सपना दिखाने का है, तो उसी कड़ी के अंदर ये दूसरा हमारे पास लेके आ गए है एक नया फितूरा कि अब आके है तो केंद्रीय मंत्री साहब आपके घर के नीचे है तो गैस की पाइपलाइन देने वाले। किसको फायदा होने वाला है, कौन से गरीब को इसका फायदा होने वाला है कि आप गैस की पाइपलाइन है तो पाइप से दे रहे है करके, उसमें सिलेंडर से नहीं मिलने वाला है, किसी के भी फायदे की ये नहीं है। चिंता हमें इस बात की है कि साहब अभी हमने शहर की सड़कें बनाए हैं, अब गैस की पाइपलाइन के लिए खोदेंगे, फिर उसके बाद अंबानी जी है तो 5G के लिए खोदेंगे, फिर उसके बाद है तो पानी की पाइपलाइन के लिए खोदेंगे। तो हमारा ये कहना है अस्थि कुमार पांडे साहब को कि एक मर्तबा फैसला करिए, खुलेगा तो पूरा एक साथ है तो इसको ये करिए, ये बार बार है तो हम खोदने नहीं देंगे। और मैं लोगों को भी ये मैं ये अनुरोध करूँगा कि किसी भी हालत के अंदर ये गैस लाइन पाइपलाइन के लिए ये आप अपने घरों का, अपने एरिए का रास्ता खोदने मत दीजिए। ये विरोध करने के लिए कि तुम हमको 2017 में जो हमको सपना दिखा के गए थे वो सपने का क्या हुआ, उसका निषेध करने के लिए हमने जो मंत्री है उनको है तो हम काले झंडे दिखाएंगे, उनके प्रोग्राम में जाकर उनसे सवाल करेंगे और उनकी पार्टी के बड़े नेताओं को भी कहेंगे कि मेरे साथ आओ एक मरतबा, क्योंकि तुम सपने बहुत अच्छे दिखाते हो। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी के सेना वाले हो, कांग्रेस वाले हो, NCP वाले हो या भारतीय जनता पार्टी, अगर तुमको गरीबों से कोई लेना देना है तो आओ मेरे साथ, अपन सब जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि साहब 52,000 लोगों में से अभी तक तुमने कितने लोगों को घर बना कर दिए हैं, नहीं दे रहे, सिर्फ सपने दिखा रहे हैं। इसीलिए हम उनका निषेध करने के लिए उनको काले झंडे दिखाएंगे और उनका जो प्रोग्राम है वहाँ जाकर उनको थेट सवाल करने वाले हैं, जवाब उनको देना होगा।